पर फैली अलियासी मस्जिद को 1927 से 1932 के आसपास उस वक्त तामीर किया गया जब मुसलमानों और हिंदुओं में बहुत बड़ा तनाज़ा था, क्योंकि यहाँ हिंदू अपना मंदिर तामीर करना चाहते थे जबकि मुसलमान मस्जिद। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने यह फैसला किया, जो सुबह जल्दी आ जाएगा वो यहाँ अपनी इबादत का कायम करेगा। मुसलमानों का जज्बा ईमानी था कि मुसलमान रात को सोए नहीं और रात को ही यहाँ कच्ची मस्जिद की बुनियाद रखती। ये मस्जिद पानी के चश्मे के ऊपर तामीर की गई है। मस्जिद की जमालियात में इस्लामी और बरतानवी तामीराती असरात शामिल हैं। मस्जिद का शानदार फन तामीर इसे पाकिस्तान की खूबसूरत और मुनफरिद इमारतों में शुमार करता है। जैसे ही मस्जिद के अंदर दाखिल हूँ, एक बहुत खूबसूरत फवारा नज़र आता है। मस्जिद का बुलंद और खूबसूरत मीनार, जो पहाड़ों के दामन में बहुत ही खूबसूरती के साथ बुलंद और बाला नज़र आता है। मस्जिद के अंदर पानी का तालाब भी मौजूद है और इसके साथ ही तंग सीढ़ियां मौजूद हैं जो मस्जिद के वसी और खुले सैन की तरफ ले जाती हैं। मस्जिद के अंदर बहुत कुशीदा नमाजगाह के साथ साथ मदरसा भी मौजूद है। मस्जिद की दीवारों पर फारसी जुबान में अशार भी मस्जिद की खूबसूरती और तारीख को बयान करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम अलियासी मस्जिद में मौजूद हैं और हमारे साथ मस्जिद के मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर जो मौजूद हैं, ज़रगुल ख़ान जदून, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये मस्जिद कितने अरसे से यहाँ पे कायम है और इस मस्जिद में वो कब से काम कर रहे हैं और बाकी की तफसीलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आप मुझे ये बताएँ कि ये मस्जिद यहाँ पर कब कायम हुई और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद 1931 में ये तामीर इसकी शुरू हुई है जी। उस वक्त आप पूरा पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा ही था, तो हिंदू की कोशिश थी कि हम इधर मंदिर बनाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने इधर मस्जिद अपनी तामीर कर दी है। रात को हमारी मस्तूरात ने इसमें काम किया और दिन को हमारे बुज़ुर्गों ने, जो आज इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उनके लिए दुआ भी हो जाए जिन्होंने ये उस वक्त इतनी बड़ी कुर्बानियों से इस मस्जिद को तामीर किया है। इस मस्जिद की तामीर जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन के जो बुज़ुर्ग थे इसमें काम करने वाले, उनका नाम है बाबा फजल दीन जो थे, जिन्होंने ये फरमासार अपने हाथों से तैयार किया है जो आज बड़ी कीमत से बनेगा। उस वक्त उन्होंने अपने हाथों से ये फरमा तैयार करके इसमें कंक्रीट डाली है, पत्थर डाले हैं, सरिया बहुत कम है इसमें, बहुत कम सरिया है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी के ऊपर ये हमारी मस्जिद तामीर हो गई है। तकरीबन 36 में ये तैयार हुई थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन कुछ ही सालों बाद इस मस्जिद को बने हुए 100 साल हो जाएंगे। तो इस मस्जिद को देखते हुए, इस इमारत को देखते हुए लगता नहीं है कि ये इतनी पुरानी इमारत है। इसकी क्या ख़ास बात है, क्योंकि आप मैनेजमेंट कमेटी के मेम्बर हैं, तो आप देखभाल के लिए मस्जिद की क्या करते हैं? बस हमारी कोशिश ये होती है जी कि हम जो मेम्बर हैं, हमारे जो सदर हैं खुरम खान, सेक्रेटरी हैं आबुद खान, हमारे जो खजानची हैं जैद साहब, उसके बाद चौथा उहदा ये सफाई वाला, ये देखभाल वाला, ये खिदमत वाला, ये उहदा मेरा है ना। तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर वक्त मस्जिद में हाजिर रहता हूँ, सफाई सुथनीमा देखभाल रंग रोगन मेंटेनेंस इस काम में बस मैं लगा रहता हूँ ना जी, ताकि ये इसकी इतनी भी कमज़ोरी जिधर भी मुझे नज़र आती है, हम इंशाल्लाह इस काम को हर वक्त। तो आप मुझे ये बता दें, इस मस्जिद का रकबा कितना और ये कितने रकबे पे तामीर की गई है? इस तरह है कि ये जो रकबा जिधर हम खड़े हैं, ये तो 25 कनाल कुछ मरले इसकी मालकियत में इंतकाल है ना जी। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो इंतकाल है ये मस्जिद के नाम पर है। मसलन के जो महकमा माल में नाम है वो ट्रैक लिखा हुआ है अलियासी मस्जिद, वो किसी अहदेदार के नाम पर नहीं है। मसलन कोई DC, कोई कमिश्नर, किसी के नाम पर नहीं है, ट्रैक अलियासी मस्जिद के नाम पर इसका इंतकाल है। उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दे करके
इतने प्यारे अंदाज में इसको मस्जिद के नाम पर किया है। रह गई इसकी आमदन, उस वक्त जो हमारे बुजुर्गों ने इसकी आमदन के ज़राए बनाए थे वो शुमाली और जनूबी की जितनी शमलात थी उसके आमदन के ज़राए बनाए थे, मगर उसके ऊपर आमद दरामद नहीं हुआ जी। आप मुझे अच्छा सर ये बता दें कि इस मस्जिद की ऐसी ख़ास बात क्या है, क्योंकि आप मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, कि हमारे जो देखने वाले हैं वो हमारी इस हिस्टोरिकल मस्जिद के बारे में जान सकें जो वो नहीं जानते अभी तक। देखिए जी, मस्जिद कोई भी है वो तो अल्लाह का घर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अलयासी मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इसमें जिस वक्त आप नमाज पढ़ेंगे, इसमें आप एतकाफ बैठेंगे, इसमें बहुत सुकून है। ये बहुत कुर्बानियों से बनी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त पैसा नहीं था हमारे पास, बहुत कुर्बानियाँ थी ना जी। आप इस बात को सोच नहीं सकते हैं कि उस वक्त बैलगाड़ी होती थी, हमारा जितना भी मुआजात थे, बांडा जात, दमतोड़, शोखड़बांडी, जंगी, मीरपुर, काकुल, नवाशहर, इसके जितने भी मौजूद थे, उसके वक्त जितने भी हमारे बुजुर्ग होते थे वो अपनी तमाम बैल गाड़ियाँ ले आते थे दिन को, और उधर से बजरी इकट्ठी करनी, रेत इकट्ठी करनी, और रात को हमारी जो माएँ बहनें थी वो इसको धो करके इधर पहुँचा देती थी। इसलिए इस मस्जिद का एक अलग ही एक सुकून है, एक अलग ही एक सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत कुर्बानियों से बनी है।